नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। मध्य प्रदेश में 1 मई से सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले होने लगेंगे। शिवराज कैबिनेट की विधानसभा में हुई बैठक में तबादला नीति के मसौदे को मंजूरी दी गई है। सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिहाज से हर जिले में महिला थाना खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अब बाकी बचे 42 जिलों में भी नए महिला थाने खोले जाएंगे। इस रिपोर्ट में देखिए, शिवराज सरकार की तरफ से विधानसभा परिषद के समिति कक्ष में कैबिनेट बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए, जिसके अनुसार अब प्रदेश में आंगनबाड़ी के 3 से 6 साल के बच्चों को सप्ताह में 3 दिन दूध दिया जाएगा। फैसले पर मोहर लगाते हुए कैबिनेट ने कहा, इससे प्रदेश में कुपोषित बच्चों की संख्या में कमी आएगी। यही नहीं, कैबिनेट बैठक में प्रदेश के 42 जिलों में महिला थाने को खोलने का फैसला लिया गया है। कैबिनेट की तरफ से 42 जिलों के बारे में अभी जानकारी नहीं दी गई है। सरकार का मानना है कि महिला थाने खुलने से प्रदेश में महिला अपराध में कमी आएगी। आपको बता दें कि वर्तमान में 10 जिलों में महिला थाने संचालित हो रहे हैं। शिवराज कैबिनेट ने नई तबादला नीति को भी मंजूरी दी है। इस फैसले के मध्य प्रदेश में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले 1 मई से होंगे। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया, नई नीति के मुताबिक जिले में प्रभारी मंत्री को तबादले करने का अधिकार होगा। प्रदेश स्तरीय तबादले यानी एक जिले से दूसरे जिले के लिए विभाग के मंत्री की मंजूरी जरूरी होगी, जबकि प्रथम श्रेणी के अफसरों की तबादले मुख्यमंत्री की स्वीकृति से किए जाएंगे। कैबिनेट ने ये भी निर्णय लिया कि गुना बस स्टैंड और सब डिपो को नीलाम किया जाएगा। इसके लिए परिवहन विभाग ने 63 करोड़ रुपए की निविदा को मंजूरी दी है। पशुओं के टीकाकरण को लेकर भी फैसला लिया गया है। पूरे प्रदेश में पशुओं का टीकाकरण पशुपालन विभाग की तरफ से किया जाएगा। इसके लिए पशुपालन विभाग को अभियान भी चलाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं कैबिनेट बैठक में कई सिंचाई परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है। साथ ही मत्स्य विभाग के तहत संपदा योजना को अगले 5 साल तक जारी रखने को भी मंजूरी दी गई है। शिवराज सरकार ने कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए हैं, जो कि मध्य प्रदेश की जनता के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे। महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भी अहम फैसला लिया गया है। शिवराज सरकार भी योगी सरकार की तरह ही तेज रफ्तार से काम कर रही है और लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचा रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।